चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। हमने कैपेसिटर में क्या सीखा था? जब हमने कैपेसिटर के टॉपिक को स्टडी किया, हमने बैटरी से कनेक्ट किया, कैपेसिटर को हमेशा हमने चार्ज देखा, हमने उसकी चार्जिंग के अंदर क्या हुआ उस फिनोमिना को नहीं देखा। हमने सिंपली एक चीज़ कही कि सपोज करो आपके पास कोई एक कैपेसिटर है, एंड इट इज़ कनेक्टेड बाय अ बैटरी। तो हमने कहा ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया और इसको इस प्लेट पे दे दिया, तो यानी कि ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब हमें जब क्वेश्चन आते थे उसमें ऑलरेडी बैटरी कनेक्टेड हुई होती थी और हमें ये पूरा चार्ज्ड मिला, मीन्स जो चार्ज्ड है ये पहले से ही चार्ज हुआ करता था। हमें ये नहीं सिखाया गया कि जब मैंने इसको ऑन किया था तो इमेजिन करो क्या हुआ होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, यहाँ पे इकट्ठे हुए होंगे, तो उस दौरान इस वायर में क्या आया होगा, करंट। हमने उस फेज को कभी स्टडी नहीं किया। हमने ये माना कि आपका जो कैपेसिटर है वो ऑलरेडी फुली चार्ज मिलेगा आपको, राइट। और प्लस हमने बीच में रेजिस्टर को भी कभी कंसिडर नहीं किया। तो जब हमने कैपेसिटर किया सिर्फ कैपेसिटर किया, जब हमने रेजिस्टर किया सिर्फ रेजिस्टर किया, तो आज हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करना है, नंबर वन। नंबर टू, जब मैं यहाँ पर स्विच लगाऊंगा, उस स्विच को ऑन करूंगा और इसकी चार्जिंग स्टार्ट होगी, तो चार्जिंग जब तक ये फुली चार्ज नहीं हो जाता तब तक आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, करंट। प्लस चार्जिंग के अंदर इनिशियली इसके ऊपर जीरो चार्ज था और फिर इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब मैक्सिमम चार्ज। तो जब चार्ज जीरो से क्यू नॉट हुआ होगा, तो मान लो मैं पूछता हूं कि 1 मिलीसेकंड पर, अभी चार्जिंग फुल नहीं हुई, एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 मिलीसेकंड, मेरा क्वेश्चन है बताओ अब कैपेसिटर में कितना चार्ज है, 2 मिलीसेकंड पे बोलो कितना चार्ज है, 3 मिलीसेकंड पे कितना चार्ज है। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत देर के बाद स्टेडी स्टेट के बाद चार्ज क्यू नॉट होने वाला है, वो फुली चार्ज होने वाला है। लेकिन जब तक वो फुली चार्ज नहीं हुआ, जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हुआ, चार्ज उसमें भर रहा है ना, इकट्ठा होता जा रहा है, तो यानी कि चार्ज वेरी कर रहा है। तो वो इंस्टेंटेनियस चार्ज की वैल्यू कैसे निकलेगी, कितने समय पे, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही होगी, ये टॉपिक उसमें डील करता है। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो हम पहले केस डिस्कस करेंगे चार्जिंग का। मान लो ये कैपेसिटर है और सपोज करो ये एक ईएमएफ है बैटरी की ई, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक रेजिस्टर भी प्रेजेंट है। तो वायर्स की नॉर्मली हम रेजिस्टेंस लेते नहीं, पर एक्चुअल में प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस तो होती है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ रहे होंगे, तो इसमें क्या जनरेट हो गया, आई अमाउंट ऑफ करंट जनरेट हो गया। तो आई अमाउंट ऑफ करंट इसमें चल रहा है जब तक ये फुली चार्ज नहीं होता। एक बार ये फुली चार्ज हो गया तो क्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा मैक्सिमम। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज जीरो, तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो। हमने ये स्टडी किया कि कैपेसिटर डीसी करंट को पास नहीं होने देता अपने अंदर से जब वो क्या होता है, फुली चार्ज। जब वो फुली चार्ज नहीं होता फिर तो इसमें करंट वायर में होता है और चार्ज इसमें क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। क्लियर यहां तक? तो मान ले इसमें करंट आ रहा है, तो इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं, आई क्या होगा इसमें, डी क्यू बाई डी टी। क्यू नॉट इसमें मैक्सिमम करंट है, क्यू चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी है, तो किसी भी इंस्टेंट पर टाइम पे चार्ज की वैल्यू कितनी है इसमें, क्यू है। किरचॉफ लॉ लगाते हैं, लूप लॉ, प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो माइनस क्यू बाई सी, करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं माइनस आई इन टू आर, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं प्लस ई इक्वल टू क्या, जीरो। तो किरचॉफ लॉ आपने लगाया, यहां से आई इन टू आर एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, आई को आपने पुट किया डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया या इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये टर्म आई, फिर आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैसे, जिसमें चार्ज आ रहा है डी क्यू और ये चार्ज आ रहा है, ये टर्म एक तरफ और आर और सी और डी टी एक तरफ, तो चार्ज वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। तो आप इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट किया आपने, जब चार्ज की वैल्यू इनिशियली जीरो थी तो टाइम की वैल्यू भी क्या थी, जीरो थी, यानी कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो चार्ज की वैल्यू क्या है इसमें, जीरो। और एट टाइम टी, किसी भी इंस्टेंट टाइम टी पे चार्ज कितना हो गया कैपेसिटर में, क्यू हो गया, तो अपने लिमिट क्या लगाई, एट टाइम टी चार्ज बिकम्स क्यू। इसको इंटीग्रेट किया,
इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग होती है, नेचुरल लॉग ऑफ ई सी माइनस क्यू अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई सी माइनस क्यू, और 1 डी टी की इंटीग्रेशन टी है। यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट किया, माइनस वन आया। एक बार आपने अपर लिमिट पुट की क्यू की जगह, एक बार लोअर लिमिट पुट की, तो आपके पास ये टर्म आई, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। लॉग ऑफ लॉग को राइट साइड पे जब लेके जाएंगे तो मैथ्स के लोग जानते हैं कि ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आई। ये पूरा टॉपिक थ्योरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, नीट वालों को ज़रूरत नहीं है, मेंस वालों को फॉर्मूले की एप्लीकेशन आती है, सिर्फ आपको बताने के लिए ये फॉर्मूला कैसे बना। तो हमने ये सॉल्व करके फॉर्मूला ये बना लिया। ये फॉर्मूला क्या है, ई इंटू सी, कैपेसिटेंस को किससे मल्टीप्लाई किया, उसकी ईएमएफ से। कैपेसिटेंस इंटू ईएमएफ क्या होता है, उसका मैक्सिमम चार्ज। तो ई इंटू सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, क्यू नॉट, और क्या आ गया, वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। इस केस में आर और सी के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय टाउ। टाउ का मतलब होता है टाइम कॉन्स्टेंट, जिसके यूनिट्स क्या होते हैं, सेकेंड्स। तो ये क्या है आपका टाइम कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू, यहाँ पर आर ऑफ आर सी की जगह क्या पुट करेंगे, टाउ, इसको बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। मेडिकल वालों को ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आएगा, आर और सी सर्किट देंगे, आर देंगे सी देंगे, वो पूछेंगे टाइम कॉन्स्टेंट क्या सर्किट का, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे आर और सी को, आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट आएगा। मेंस में ऑब्वियसली ऐसा नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। तो इसमें इसकी जगह क्यू नॉट पुट कर दिया, मैक्सिमम चार्ज, इसकी जगह टाउ। तो पहला फॉर्मूला आपको इस टॉपिक में, थ्योरी आए ना आए, ये फॉर्मूला आना चाहिए कि मैं कोई भी जब टाइम यहाँ स्मॉल टी पुट करूँगा तो उस इंस्टेंट पर चार्ज क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको बताएगा, राइट। तो जैसे मैं पूछूंगा क्वेश्चन में आर दूंगा, सी दूंगा, क्यू नॉट दूंगा, सब कुछ दूंगा, मैं पूछूंगा टाइम टी इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड पर बताओ चार्ज क्या होगा, आप स्मॉल टी की वैल्यू को पुट करते जाना, इंस्टेंटेनियस चार्ज आपके पास आता जाएगा। तो पहला फॉर्मूला क्लियर है यहाँ तक। दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या, कि ये टाइम कॉन्स्टेंट क्या चीज़ है। जब टाइम कॉन्स्टेंट के आप यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे तो वो सेकेंड ही आते हैं, तभी इसका नाम टाइम कॉन्स्टेंट है। तो इसके अंदर जब आप छोटे टी को, टाइम को, टाइम कॉन्स्टेंट ही पुट करते हैं, मान लो आप चेक करना चाहते हैं एट टाइम कॉन्स्टेंट स्मॉल टी इज इक्वल टू आर इन टू सी, बताएं कितना चार्ज प्रेजेंट है कैपेसिटर में। आप स्मॉल टी की जगह क्या पुट करते हैं, मान लो टाउ, टाउ से टाउ कैंसल, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके ये आंसर आता है। इसको बॉक्स में डालें कि जो चार्ज है वो 63% ऑफ क्यू नॉट आता है, मतलब टाइम कॉन्स्टेंट वो समय है, वो इंस्टेंटेनियस टाइम है जब कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही होती है, चार्ज बढ़ रहा होता है, तो कैपेसिटर का चार्ज उस टाइम कॉन्स्टेंट पे कितना होता है, 63% होता है, जितना वो चार्ज मैक्सिमम स्टोर कर सकता है। तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, 63% ऑफ क्यू नॉट आएगी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो ये दूसरी वैल्यू आपको याद रखनी है। तो पहला याद करना है फॉर्मूला चार्ज का, चार्ज कैसे इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा ये फिगर याद करना है। दो, तीसरा, जब टाइम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब बहुत देर बाद, जब आप फॉर्मूले में टाइम को इन्फिनिटी पुट करते हैं, वन बाई इन्फिनिटी जीरो होता है, आपका चार्ज क्यू नॉट आएगा, यानी कि बहुत देर के बाद कैपेसिटर फुली चार्ज होने वाला है, और जब चार्ज उसमें कितना हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। तो क्या ये पॉइंट भी क्लियर है यहाँ तक, ये खैर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो करना है आपको, सीधा ग्राफ मार्क करने को आ सकता है कि चार्ज का, इस फॉर्मूले को देखते हुए चार्ज का और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, तो चार्ज और टाइम का ये ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ आपको याद करना है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होता है और फिर काफ़ी इंक्रीज होता हुआ इसके पैरेलल चला जाता है। तो पहला आपने ये फॉर्मूला याद करना है, दूसरा टाइम कॉन्स्टेंट पे कितना चार्ज है वो याद करना है, तीसरा आपने ये ग्राफ ध्यान से देखना है, मार्क करने को है, आपको ग्राफ का पता हो। तो क्या ये तीन रिजल्ट्स क्लियर हैं, प्रूफ नहीं आपने करने, यूज़ कैसे करना है अभी बताऊंगा। जैसे नेक्स्ट है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग में बैटरी को हटा दो, कैपेसिटर चार्ज था और ये प्लस और माइनस था, रजिस्टर लगी हुई थी और बैटरी हटा दी, तो ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पर आ गए, पॉजिटिव पे आ गए, और इसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। तो अब होगा क्या, जब चार्ज यहाँ से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये खाली हो जाएगा, अल्टीमेटली कैपेसिटर खाली होगा। पहले इसमें कितना चार्ज था, ये फुली चार्ज था, फुली चार्ज में चार्ज कितना होता है, क्यू नॉट होता है, और फाइनली कितना होने वाला है, जीरो, बिल्कुल खाली होने वाला है। तो बैटरी हटाई, किरचॉफ लॉ लगाया, प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस क्यू बाई सी,
करंट के ऑपोजिट आ रहे हैं, प्लस आई आर इक्वल टू क्या, जीरो। यहां से ये वैल्यू पुट की, करंट क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, पर यहां पर माइनस डी क्यू बाई डी टी। जब चार्जिंग हो रही थी तो कैपेसिटर में चार्ज भर रहा था, तो डी क्यू बाई डी टी पॉजिटिव था, क्यू बढ़ रहा है, और जब खाली हो रहा है कैपेसिटर तो रेट कम हो रहा है, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो ये वैल्यू में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आया। फिर लिमिट्स लगेंगी, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो डिस्चार्जिंग में इनिशियल चार्ज क्या रहा होगा, क्यू नॉट, क्योंकि अब चार्ज कहां से कहां होना है, क्यू नॉट से नीचे गिरना है। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो चार्ज क्यू नॉट है, और किसी भी टाइम टी पे चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया, जो मुझे निकालना है। इसे अगर मैं इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करूं, सॉल्व करूं, सॉल्व करके मेरे पास ये आंसर आएगा। ये आपने नेक्स्ट फॉर्मूला याद करना है, जब क्वेश्चन कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग पे आएगा तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। टाइम कांस्टेंट वही है इसमें, आर इंटू सी। ये फॉर्मूला इजी टू रिमेंबर है, क्योंकि चार्जिंग में हमारा फॉर्मूला ये था, अगर मैं वन माइनस हटा दूं तो डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला बन गया। चार्जिंग में वन माइनस आ रहा है, डिस्चार्जिंग में वन माइनस नहीं आ रहा, सिर्फ यही आ रहा है, ठीक है यहां तक। तो दूसरा फॉर्मूला ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट ये याद रखना है कि इसमें टाइम कांस्टेंट है क्या। अगर आप छोटे टी को टाइम कांस्टेंट पुट करें तो स्मॉल टी को टाउ पुट करेंगे, टाउ और टाउ कैंसिल हो गए, माइनस वन, सॉल्व करके आंसर आएगा 37% ऑफ क्यू नॉट। अब ये याद करना है क्या, जब कैपेसिटर खाली हो रहा होता है और डिस्चार्जिंग हो रही होती है, तो उस केस में टाइम कांस्टेंट वो समय है जब कैपेसिटर में चार्ज कितना रह जाता है, 37% ऑफ कितना चार्ज उसमें मैक्सिमम हो सकता है। चार्जिंग के दौरान वो वैल्यू 63% होती है, डिस्चार्जिंग में उस टाइम पे वैल्यू क्या होती है, 37% होती है। और फाइनली आपको ग्राफ याद करना है, चार्ज कैसे डिक्रीज हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ये दो फॉर्मूला सबको क्लियर है, ठीक। तो इसके ऊपर कैसे काम करना है वो अभी दो मिनट में आपको बताता हूँ, राइट। ये फॉर्मूला एक बार ध्यान से देखना, एक सेकेंड। देखो इसके अंदर जो नेक्स्ट है, सब्जेक्टिव शीट नंबर 20 नंबर शीट है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेडिकल के लिए नो, ये शीट रहने दें, इसमें एक ही क्वेश्चन करना है, मेडिकल वालों को मैं मार्क करवा दूंगा, नॉन मेडिकल वालों को सारा करना है। चार पांच क्वेश्चन बस मैं करवा रहा हूँ, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। ये बस आपको इसमें क्या करना क्या है, बस आपको सीखना है, चार पांच क्वेश्चन में आपको सब समझ में आएगा इसमें करना क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में पहला क्वेश्चन है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, तो बोलो क्या गिवन है, सी, चार्ज बाय कनेक्टिंग टू अ बैटरी क्या गिवन है, ई, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या गिवन है, आर, आर गिवन है, सी गिवन है, क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या करवाया था, आर इंटू सी, तो आर पता है, सी पता है, टाइम कांस्टेंट। मेडिकल वालों को ज्यादा से ज्यादा टाइम कांस्टेंट आ सकता है, बस इसके ऊपर नहीं आएगा, तो नॉन मेडिकल वालों को अगला पार्ट भी आ सकता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, फाइंड टाइम टेकन, तो क्या निकालना है, छोटा टी, टाइम निकालना है, बिफोर 99% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आपको टाइम बताना है कि जब 99% ऑफ चार्ज कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है, बस इन टाइप के क्वेश्चन में यही पता करना होता है, क्योंकि उसने कहा कैपेसिटर है चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग, यानी कि वो क्या कर रहा है, इसकी चार्जिंग। तो फॉर्मूला चार्जिंग का लगेगा, चार्जिंग के फॉर्मूले में आप Q नॉट को क्या पुट कर सकते हैं, C इन टू E, बताया था कैपेसिटेंस की वैल्यू C है और EMF इसकी E है, तो Q नॉट का मतलब क्या है इसमें, C इन टू E। आपको इसमें चार्ज कितना लेना है, 99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज कितना है, CE, 99% का मतलब 0.99 CE, CE से CE कैंसल, तो
तो आगे फिजिक्स खत्म, मैथ स्टार्ट, तो आपको स्मॉल टी निकालना है। तो स्मॉल टी निकालने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको लॉग टेबल चाहिए होंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन मैंने डाले उसमें लॉग टेबल चाहिए होंगे ताकि आप स्मॉल टी निकाल सको। जो आपको प्रॉब्लम आएंगी उसमें लॉग टेबल नहीं चाहिए होते, वो आपको कैलकुलेशन ऐसी देता है जिसमें आपको लॉग टेबल नहीं चाहिए, आपको ऐसी कैलकुलेशन देगा जिसमें एज इट इज आप वहीं पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन पर ध्यान ना दें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस में क्या पुट करना है, बस उतना ही सफिशियंट है। आपको मैंने मेंस के पेपर दिए हुए हैं, आप उसमें तीन चार क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें अप्लाई करके देखना, उसमें लॉक टेबल नहीं चाहिए। ठीक, जैसे क्वेश्चन है प्लेट्स ऑफ 50 माइक्रोफेरेड, क्या गिवन है, सी चार्ज्ड टू 400 माइक्रो कूलम, ये तो ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, कैपेसिटर चार्ज्ड, तो जिसमें चार्ज गिवन है, ये मैक्सिमम चार्ज गिवन है, रादर आर कनेक्टेड थ्रू अ रेजिस्टेंस आर भी गिवन है, हाउ मच चार्ज रिमेनिंग ऑन द कैपेसिटर वन आफ्टर वन सेकेंड कनेक्शन इज मेड। कनेक्शन इज मेड का मतलब क्या है, जैसे ये कैपेसिटर है इसके ऊपर ऑलरेडी मैक्सिमम चार्ज आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप इसके साथ ये कनेक्शन बना रहे हो, किसके साथ, रजिस्टर के साथ। तो जब आप रजिस्टर के साथ कनेक्शन बनाओगे तो इसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, डिसचार्जिंग, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज है। कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ जब कनेक्शन बनेगा तो क्या स्टार्ट हो जाएगी, डिस्चार्जिंग। तो यानी कि फॉर्मूला किसका लगेगा, डिस्चार्जिंग, बस यही पता करना है, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग। तो इसमें डिस्चार्जिंग है, आपको इसमें आर पता है और सी पता है, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम आ जाएगा, तो टाइम कॉन्स्टेंट आ गया टाउ, तो टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई। वो क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड के बाद चार्ज कितना बच जाएगा, पहले मैक्सिमम चार्ज तो मुझे पता ही है, एक सेकेंड के बाद कितना चार्ज बचेगा, तो आप ये डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लगाएं, आप इसमें क्यू नॉट को पुट करें मैक्सिमम चार्ज, स्मॉल टी आपको पता है, टाउ आपको पता है, डिवाइड, और ये भी माइक, ये इसमें मुझे करेक्शन करनी पड़ेगी शायद, क्योंकि ये माइक्रो सेकेंड है और ये सेकेंड है ना, तो मुझे यहाँ सेकेंड सेकेंड करना पड़ेगा शायद, इसमें कुछ गलत है, बट इसमें माइक्रो सेकेंड होना चाहिए वैसे, मतलब दोनों यूनिट्स क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, राइट। तो कहीं करेक्शन है इसमें, तो यानी कि एक अगर माइक्रो सेकेंड है तो ये भी माइक्रो सेकेंड लेना है, अगर ये सेकेंड है तो ये भी सेकेंड होना है, तो चलो कुछ करेक्शन होगी। तो यहाँ से सॉल्व करके फिर आपको इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, लॉग टेबल, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, पर आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा मैंने बताया, पर आपको इससे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर मैं आपको सारी कैलकुलेशन के लिए लॉग टेबल दूँ चाहिए नहीं होगा, पर चार्ज की वैल्यू कैसे निकल रही है समझ में आ रहा है, ठीक, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है समझ में आ रहा है। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक कैपेसिटर है, इट इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट की बैटरी, तो ई गिवन है, रेजिस्टेंस आर गिवन है, इट इज फाउंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर रेजेस टू 4 वोल्ट। एक बात बताओ, कैपेसिटर को कितने वोल्ट के साथ कनेक्ट किया, 12, अभी उसका वोल्ट कितना है, 4, और वो भी रेज हुआ है क्योंकि कैपेसिटर की क्या हो रही होगी, चार्जिंग बढ़ रहा है ना, जब पोटेंशियल बढ़ रहा होता है यानी कि उसकी चार्जिंग हो रही है, और जब पोटेंशियल कम हो रहा है उसकी डिस्चार्जिंग हो रही है, तो इसमें क्या हो रही है, इसमें चार्जिंग हो रही है, तो अभी टोटल पोटेंशियल कितना होना है, 12, मैक्सिमम कितना होना है, 12, हुआ कितना है, 4। तो क्या कह रहे हैं, कितनी देर में हुआ, टाइम गिवन है, कह रहे कैपेसिटेंस निकाल दो। अब फॉर्मूला इसमें चार्ज का नहीं है, फॉर्मूला इसमें वी और वी नॉट का है, तो हम एक काम करते हैं, चार्जिंग हो रही है तो चार्जिंग का फॉर्मूला, चार्जिंग के फॉर्मूले में दोनों साइड्स को कैपेसिटेंस से डिवाइड कर लें, कर लिया डिवाइड, Q नॉट बाई सी मैक्सिमम पोटेंशियल है ना, Q बाई सी क्या होता है, V होता है, क्योंकि Q मैक्स है तो V भी मैक्स है, और Q बाई सी का मतलब यहाँ पर V है, तो यानी कि अब एक नया फॉर्मूला आ गया, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू इज मैक्स, जब चार्जिंग हो रही होती है तो किसी भी इंस्टेंट पर जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज के साथ ऐसे रिलेटेड होती है, फॉर्मूला याद कर सकते हो सीधा, ये स्टेप बचेंगे आपके। तो अगर क्वेश्चन चार्ज में चल रहा है क्यू नॉट और क्यू में, फिर तो ये फॉर्मूला, अगर वी नॉट और वी में तो ये फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, 12, अभी कितना हुआ है, 4, कितने समय में हुआ, टाइम आपको गिवन है 1 माइक्रोसेकंड, तो टाइम की वैल्यू पुट कर दें, आर की वैल्यू पुट कर दें, सी निकालना है, ये क्वेश्चन अभी हो नहीं पाएगा, इसमें फिर से लॉग टेबल चाहिए, लेकिन आपको यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, यहां तक आप लॉग टेबल की कैलकुलेशन में मत जाएं, यहां तक कौन सी वैल्यू किस में पुट करनी है ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, राइट। जैसे
ये प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम आती है किसी भी मेंस वालों को, नीट में नहीं आती, एनसीईआरटी में नहीं आती, क्योंकि इसमें लॉग टेबल नहीं चाहिए। कैसे? अ कैपेसिटर इज चार्ज टू 50 वोल्ट, यानी कि कैपेसिटर की क्या हो चुकी है चार्जिंग, वो तो कर चुका 50 वोल्ट, इज डिस्चार्ज, चलो वो बोल ही रहा है कि कैपेसिटर की क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी प्लेट्स ड्रॉप्स टू 1 वोल्ट, तो पोटेंशियल कितना हो जाता है, 50 से 1 वोल्ट हो जाता है, कितनी देर में, इतने टाइम में, तो बताओ पोटेंशियल कितना हो जाएगा 20 मिली माइक्रोसेकेंड पे। तो 10 मिली सेकेंड पे पोटेंशियल 1 वोल्ट है और 20 माइक्रोसेकेंड पे पोटेंशियल की वैल्यू आपको निकालनी है। वैसे ये मिली सेकेंड है, ये मिली सेकेंड ही होना चाहिए, या माइक्रो है तो माइक्रो होना चाहिए, यहाँ ना करेक्शन करनी पड़ेगी, तो माइक्रो कर लो आपकी शीट में, माइक्रो तो ये माइक्रो, दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू 50 वोल्ट है और आपका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाता है इतने टाइम में, तो पोटेंशियल 20 टाइम में कितने वोल्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो अब क्योंकि डिस्चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग में चार्ज ऐसे चेंज होगा, फिर से वही स्टेप, क्वेश्चन तो वोल्ट पे चल रहा है, चार्ज पे चल नहीं रहा, तो दोनों साइड को सी सी से क्या किया, डिवाइड, तो क्यू नॉट बाई सी वी नॉट, क्यू बाई सी वी, तो देखो वी का रिलेशन आ गया कि वोल्टेज कैसे चेंज होती है टाइम के साथ, ये एक नया फॉर्मूला आ गया। आपको क्वेश्चन में केस नंबर 1 में क्या गिवन है, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है 50, वोल्टेज कितनी करनी है 1, जब टाइम की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ 10 पुट कर दिया, तो यहाँ से e की पावर -10 बाई आर सी 1/50 आ गई, इसको संभाल के रख लो, राइट। अब केस नंबर 2, सेम फॉर्मूला, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है 50, वी की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है, जब टाइम की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10 की जगह 20, यूनिट्स रिमेनिंग दी सेम, प्लीज यहाँ पर 10 मिलीसेकंड, तो यहाँ पर 20 मिलीसेकंड ही रखना। तो ये स्टेप आ गया, अब इसको सॉल्व कैसे करना बिना लॉग टेबल के, 20 को लिखेंगे 2 into 10 को लिखेंगे 10 स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे 1/50 का होल स्क्वायर आंसर। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है जिसमें वो दो केस देगा, एक केस में ई की पावर समथिंग की वैल्यू आएगी और दूसरे केस में सब्सटीट्यूशन जाएगी, तो इससे आपको लॉग टेबल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। तो ये जो शीट है ये नॉन मेडिकल वालों का होमवर्क है, ठीक, ये आप होमवर्क एक बार इसको देखेंगे कैसे करना है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही है। ये क्वेश्चन मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, आपको क्वेश्चन में ये 3 सर्किट्स गिवन है और आपको क्वेश्चन के अंदर वो ये बोल रहा है कि मुझे C1 C2 R1 R2 चारों वैल्यूज गिवन है, आपको निकालना है टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी, किस में टाउ की वैल्यू, किस में, इन तीनों फिगर्स में। सबसे पहले 2 और 2 रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स हैं, तो आप इसको ऐसे ना करें, 2 की जगह 1 करें, ये दोनों कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में, ये दोनों रेजिस्टर्स, तो आप पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के आर और सी निकाल लें। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, C1 C2 / C1 + C2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, R1 R2 / R1 + R2, तो आर इक्विवेलेंट आ गया, सी इक्विवेलेंट आ गया, टाइम कॉन्स्टेंट की जगह क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इंटू सी। पहले आपको इन क्वेश्चन में आर और सी के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है, 1 R और 1 C निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, फिर ये फॉर्मूले में पुट करना है। अब जैसे अगली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसमें फिर से टाइम कॉन्स्टेंट निकालना है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो C1 C2 पैरेलल में, R1 R2 सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट इनटू R इक्विवेलेंट इज द आंसर। तो क्लियर है, कोई भी डायग्राम आएगा उसमें R इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट निकालना है, फिर R इक्विवेलेंट इनटू C इक्विवेलेंट से आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, टाइम कॉन्स्टेंट की। आखिरी फिगर, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट इनटू R इक्विवेलेंट करके फिर आंसर आएगा। तो आपको आइडिया क्लियर है कि टाइम कॉन्स्टेंट की क्वेश्चन वो कैसे पूछ सकता है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम वो पूछ सकता है। ठीक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है,
तो अब ये नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स, इस शीट को मैं पीडीएफ बना के अभी दे दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, एक बार आपने इस पे नज़र मारनी है। और एक बार ये करने के बाद जो मेंस की प्रॉब्लम आ रखी है नॉन मेडिकल को, जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी की शीट दी है उसमें दो तीन क्वेश्चंस हैं, फिर वो ट्राई करने हैं, राइट, फिर वो ट्राई करने हैं। और मेडिकल को कुछ नहीं करना, ये टॉपिक उनका होमवर्क नहीं है, ये टॉपिक उनको करना नहीं है। आर इन टू सी मैंने बताना था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक।